मित्रों, आज मैं आया हूँ मेरे मित्र के खेत में और वहाँ भी सिंचाई में लगा हुआ है। मित्रों, अभी मैं आप देख रहे हो कि जो मेरे मित्र की जो मूंग है फाइनली रेडी हो चुकी है और आखिरी पानी है। इसके बाद यह सूखेगी, 4-5 मिनट, मतलब 1-2 हफ्ते सूखेगी। इसके बाद यह कटवा देंगे मूंग को और घर बैठे फसल आ जाएगी। तो वो देख रहे हो, वो अपना मित्र है, उसका नाम है नारायण। और कितनी गजब की मूंग है आपको मैं बताता हूँ। जो मौत में कितनी शानदार मूंग लगी है और वह रहा है मित्र नारायण। और देखिए आप क्लोज रेंज में, मतलब उतने ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा नहीं लगी, लेकिन वो भी बढ़िया है। बड़ी बड़ी मूंग लगी है, बड़े बड़े दाना इसमें लगेंगे, बहुत ही शानदार। और इनका जो खेत है वो एक बेस्ट जगह पर है। और यहाँ देख पा रहे हो साइड में बहुत बड़ी नदी है। ये नदी मतलब एक पांजरा नदी है और इस नदी पे से ही मतलब ये सब देख रहे हो आप, पानी मतलब वेस्टेज हो रहा है, लेकिन नदी में ही आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बहुत शानदार नज़ारा है। और ये हमारा मित्र नारायण, पानी चल रहा है क्या? बोलते हैं जरा गातिस वीडियो कहीं, यही चीज बताया मैंने। जूम का जूम देखो भाई, इल्ली चल रही तलाक खा गया ना रहना नहीं। तो स्प्रे छटना पड़ी है भाई, अब स्प्रे लगा था भाई। अंदर भी इल्ली चाहो, और फूल देखो ना, देखा अंदर भी इल्ली भी, ये नहीं था वो बच्चा चल रही। हाँ ये बच्चा, और अंदर भी से देख देख, ऐसे कहानी पड़गी नहीं अंदर भरे, कहानी पड़गी। ये जो फूल है ना, कभी की खा गई तो मतलब फसल बर्बाद। तो बेटा आप मतलब नारायण तारा मतलब भी लेट हिल आप बढ़िया से तारा मूंग भी मतलब बढ़िया आगे से नारायण, कोई दिक्कत वाली बात उसको मतलब। अभी हम हमारे मित्र के खेत में से भी रवाना हो रहे हैं और आप देख पा रहे हो मतलब पगडंडी है और एक मतलब यहाँ काटने का कोई रख रखा है, क्योंकि इससे पशु जो हमारा पशु होते हैं वो अंदर ना आ सके। तो चलते हैं रास्ते की ओर, और ये दो रास्ते हैं, आप उनको इस तरफ जाना है राइट हाथ की तरफ। तो अभी मैं मूंग लाया हूँ खेत में से, ये बड़ी बड़ी लिया मतलब ये मूंग है भाई, उनको खाते हैं और चलते हैं खेत की ओर। और खेत में जाने के बाद हम करेंगे मूंगो मतलब भैंस ढोरों को चारा पानी करना है, इसके बाद घर तरफ आएंगे। और मूंग भी लगी है, और आप देख रहे हो मेरे गांव मतलब इतना ख़तरनाक, इतना शानदार जगह पे है जहाँ पर नदियाँ भी हैं, पहाड़ी इलाका भी है, और मतलब हरे भरे मैदान भी हैं जहाँ पर लोग खेती किसानी करते हैं अपने ज़मीन पर। बस थोड़े लोग अच्छे नहीं है बस।